बटरफ्लाई पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक ले, घुटनों को अप डाउन। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति ने किसी गुरु को आमंत्रित किया, आप आज हमारे यहाँ भोजन करें, पर गुरु जी को एकासन था या उपवास था, उस दिन एकादशी थी, उपवास किया हुआ था, तो गुरु जी ने कहा मैं तो नहीं आ सकता पर मैं अपने दो चेलों को भेज देता हूँ। तो दोनों चेले वहाँ भोजन करने गए, भोजन किया, फिर वापस आए, तो आते आते गुरु ने देखा मेरा एक चेला बहुत उदास है और एक चेला बहुत प्रसन्न है। गुरु ने पूछा कि भाई बात क्या हो गई, उदासी का कारण क्या, क्यों उदास हो इतने। उसने कहा क्या बताऊं, मैं जब वहाँ गया तो जिस व्यक्ति के यहाँ आपने भेजा उसकी हवेली को देखकर, उसके घर को देखकर मुझे लगा कि ये कम से कम अच्छा खासा आदमी, और कोई भी पंडित तो अपने उम्मीद लेके चलता है, तो पंडित तो था ही, उसने वो उम्मीद दी। तो कहा अच्छा, तो अच्छा ही आदमी था, गुरु ने कहा अच्छा ही था ना आदमी। नहीं नहीं अच्छा था, तो फिर तुम उदास क्यों, क्या तुम दोनों के भोजन में कुछ अंतर था, दोनों को भोजन अलग अलग दिया, एक प्रसन्न है एक उदास है। तो कहा नहीं, भोजन तो दोनों को एक जैसा दिया, तो फिर तुम्हारे बैठने के प्रोग्राम में कुछ अंतर किया, एक को सोफा दिया और एक को कुर्सी दी हो, ऐसा कुछ। नहीं नहीं वो भी दोनों को एक जैसा दिया, तो फिर अंतर क्या, क्या फर्क पड़ा तुम उदास और ये प्रसन्न, क्या तुम्हारे से बातचीत करने में कुछ लगाव में उससे अच्छी बात की तुमसे अच्छी नहीं की, ऐसा कुछ हुआ। नहीं वो भी नहीं हुआ, तो फिर बता बात क्या हो गई। ये बात तो और कुछ नहीं हुई, जब दक्षिणा का समय आता तेरे को कितना दिया इसको कितना दिया, दक्षिणा में फ़र्क किया क्या, कि नहीं दक्षिणा भी उसने 100-100 रुपया दोनों को दिया बराबर दिया, तो फिर उदास क्यों हो। उसने कहा उदास तो इसलिए कि जिस प्रकार का व्यक्ति मैंने देखा, जैसा धनाढ्य व्यक्ति देखा, तो मैंने कहा कम से कम 500 रुपया तो वहाँ से दक्षिणा मिलेगी, और उसने खाली 100 रुपया दिया, तो मुझे लगा कि आज खाली 100 रुपया मिला बड़े सेठ के वहाँ से। उसने कहा रहे भाई दूसरे से पूछा कि तुम फिर प्रसन्न क्यों, जब तुम दोनों को एक ही जैसा बात हुई तो तुम प्रसन्न क्यों। उसने कहा मैं प्रसन्न इसलिए कि मैं जानता हूँ वो सेठ बड़ा कंजूस है, और मुझे उम्मीद भी नहीं कि वो 100 रुपया रहता, मैं तो सोचा कि 51 रुपया वहाँ से दक्षिणा मिलेगी, आज उसने 100 रुपया दिया तो मैं तो खुश हो गया। ये दोनों बात तो एक ही है, एक ही जैसा व्यवहार, फिर ये अंतर क्यों। मन का अंतर, हमारा मन एक नकारात्मक सोच सोचता है उदास हो जाता है दुखी बन जाता है, एक सकारात्मक सोच सोचता है प्रसन्न हो जाता है खुश हो जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, नकारात्मक बातों को ध्यान देना चाहिए, अगर आपको दुखी होना ही है तो फिर नकारात्मक बात हो, पर कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं दुखी बनूं, तो फिर हमें सकारात्मक बातों की ओर ध्यान देना चाहिए, उसमें क्या अच्छाई है वो ढूंढे, क्या कमी है वह न ढूंढे, क्या अच्छाई है वह ढूंढे, तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफल होंगे और हमारे जीवन में दुख की कोई घटनाएं घटेगी नहीं, घटेगी तो आप उसको सुख में कन्वर्ट कर देंगे बदल देंगे, क्योंकि उसमें से भी आप सुख ढूंढ लेंगे, वहाँ जहाँ दुख है वहाँ सुख भी उसमें मिलता है, तो कहाँ सुख मिला उस चीज़ को ढूंढ लो, तो दुख को छोड़ दो, अपने आप आपका दुख का निवारण हो जाएगा।